साथियों जय भीम, मैं हूँ हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। स्वागत है आपका हमारे चैनल द थिंक पर। गोंदिया भंडारा जिले में जिला पंचायत के यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और तमाम जो भी पार्टियाँ हैं यहाँ पर जो है चुनाव लड़ाने जा रही है। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी भी पूरे दमखम के साथ में अपने प्रत्याशियों को यहाँ पर उतार चुकी है। और अभी आइए बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से कि बहुजन समाज पार्टी की इस चुनाव में उनकी क्या रणनीति रही। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ, बताइए क्या बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति रहेगी इस चुनाव में। मैं बहुजन समाज पार्टी गोंदिया विधानसभा की ओर से सब जो दर्शक है उसको सप्रेम जय भीम कहूँगा। साथियों, गोंदिया विधानसभा की ओर से गोंदिया जिला के निर्देश अनुसार हमने गोंदिया विधानसभा में काफ़ी उम्मीदवारों को यहाँ से टिकट दी है पंचायत समिति जिला परिषद की, और जो हमारे उम्मीदवार है उनको हम भारी मतों से चुनकर लाएंगे। क्योंकि जो हम देख रहे हैं, हमारा देश जब से स्वतंत्र हुआ है तब से जो कांग्रेस की सरकार रही है, भाजपा जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, इनका जो कार्यकाल रहा है ये काफ़ी हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, जो युवा है, जो गरीब है, जो मजदूर है, इनके हितैषी पार्टी नहीं रही है। इसलिए लोगों ने ये विचार किया है कि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, ये कोई भी हमारी जो पार्टी है हमारे देश में है अभी वर्तमान में, ये हमारे हितैषी नहीं है। इसलिए सभी का ऐसा मत है कि इस बार हम बहुजन समाज पार्टी के हाथी के ऊपर जो लड़ रहे उम्मीदवार है इनको भारी मतों से चुनकर लाएंगे, ऐसी सबकी मनसा है। तो जैसे कि बहुजन समाज पार्टी जो भी कहने में नहीं करने में विश्वास रखती है, तो बहुजन समाज पार्टी के क्या बेसिक मुद्दे सर जो कि आप जनता को बताना चाहेंगे? बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु और महापुरुषों की वैचारिक अभी क्रांति को अभिवादन करते हुए और हमारी बहुजन समाज पार्टी की नेत्री बहन कुमारी मायावती जी, इनके किए गए कामों पर विश्वास रखते हुए पूरे गोंदिया और भंडारे जिले में जो जिला पंचायत के अभी जो चुनाव चल रहे हैं, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी पूरे दमखम के साथ में अपने उम्मीदवारों को खड़ा की है। और हमारे यहाँ जो आपके पूछे अनुसार यहाँ जो हमारे बेसिक मुद्दे है कि यहाँ के लोगों को रोजगार और शिक्षा का मेन मुद्दा हमारे पास में है कि हमारे लोगों को शिक्षा में यानी हमने भागीदारी देने के लिए हमने भरपूर कोशिश हमारी बहुजन समाज पार्टी करेगी। और बहुजन समाज पार्टी वादों पे नहीं तो पूरे कार्यों पे भरोसा रखती है, उसी के तहत हमारी बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर भी हमारे जो इस जिला परिषद पंचायत समिति क्षेत्र के जो उम्मीदवार है मंगेश यशवंतराव डहाट जी, इनके प्रचार सभा में यहाँ जो हमारी प्रचार सभाएँ चल रही है, प्रचार के माध्यम से हम लोगों को अपनी जो बहुजन समाज की आइडियोलॉजी है यह बता करके अब हम अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। और हमारा उम्मीदवार यहाँ पूरे तरीके से जीत रहा है, इसीलिए हमारे जो स्थानिक मुद्दे रहेंगे, पानी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, यह समस्या कैसे हल कर सकते हैं, किस माध्यम से हल कर सकते हैं, यह बात बहुजन समाज पार्टी और हमारे जिले के नेता यह सब पूरी बखूबी निभा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, एक नया एक चाबी संगठन करके ये सभी पूरी मनुवादी की पार्टियाँ हैं, मनुवादी लोग उतरे हैं और यह जो काफ़ी प्रलोभन दे करके जो वोटर को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपनी बात रखने के लिए पूरे वोटर तक जा रहे हैं। क्या रणनीति रहेगी, कैसे आप इस चुनाव में इसको जीतने की आपकी क्या ये है मंशा है, कैसी रणनीति? सबसे मैंने आपके चैनल का मैं धन्यवाद चाहता हूँ और जय भीम करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी गोंदिया विधानसभा के माध्यम से अभी जो चुनाव चल रहे जिला परिषद और पंचायत समिति के, तो इस चुनाव में हम लोग मंगेश यशवंत जी डहाट इनके चुनाव प्रचारार्थ हम लोग ग्राम देवरी में हम लोग पहुँचे हुए हैं और आपका चैनल भी इधर पहुँचा हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो मंगेश जी डहाट है इनकी बातें जन जन तक पहुँचे, क्योंकि हमारा जो मकसद है बहुजन समाज पार्टी का वो एक मात्र मकसद है। हम लोग किसी इसके लिए काम नहीं करते, हम लोग इस देश के अंदर बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए हम लोग काम करते हैं और वो हुक्मरान बनकर अपने हक अधिकार हासिल कर सके, इसलिए हम लोग काम करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र उद्देश्य होता है कि सत्ता की चाबी हाथ में लेकर इस बहुजन समाज को आज़ाद किया जा सके, किया जा सकता है। मगर फिर भी कुछ कठिनाइयाँ है या तमाम पार्टियाँ लड़ रही है, बीजेपी है, कांग्रेस है, राका है, चाबी है,
ये भी पार्टियां आजमा रही अपना ये प्रत्याशी उतारी हुई है, फिर भी हम लोग चाहते हैं कि इनसे अच्छा एक हमारा प्रत्याशी मंगेश यशवंत डहाट, ये इनसे एक अच्छा प्रत्याशी यहाँ पर इनके बीच में खड़ा है और वो भी बहुजन समाज पार्टी और हाथी निशान लेकर खड़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि चैनल के माध्यम से इनकी बातें जन जन तक आप पहुँचाएंगे और इनको सभी जनता से भी मैं अपील करता हूँ कि इनके हाथी निशान की बटन दबाकर उन्हें वो प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाएंगे और महापुरुषों का जो कारवा है वो आगे बढ़ाने में हमें सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा उम्मीद करता हूँ। जय भीम। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है मंगेश यशवंत डाट, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अभी जैसा कि हम देखते हैं कि इस चुनावी क्षेत्र में कांग्रेस, भाजपा, साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम के साथ में यहाँ पर जो है कि चुनावी सभा लगा रही है और भी जितने भी लोगों को प्रलोभन देकर के वोट को खरीदने की, बेचने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्यों उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को वोट करना चाहिए? बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों को अभिवादन करते हुए आज यहाँ ग्राम देवरी में नवगांव पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी की ओर से मुझे चुनाव मैदान में उतारा है, मैं वैसे बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद करता हूँ और इस चैनल के माध्यम से सभी इस क्षेत्र के जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ। इस देश में एक ही ऐसी पार्टी है जो बहुजन समाज के लोगों और बहुजन समाज के महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ाती है और आगे बढ़ाने में तत्पर काम करती है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यहाँ क्षेत्र के जनता से यही निवेदन करूँगा कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर जो बहुजन समाज के महापुरुष है उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने में मुझे साथ दे और जो संविधानिक व्यवस्था है जिस संविधान के वजह से हमें जो मूलभूत अधिकार मिले हैं उस मूलभूत अधिकारों को पूरा करने में सिर्फ इस देश में जो एकमात्र पार्टी है वो जो बहुजन समाज पार्टी है। मुझे आप अगर मतदान करके मुझे अगर आप इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व देते हो तो मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ कि सभी संविधान के नियमावली को फॉलो करते हुए इस गांव के, इस क्षेत्र के जनता को उनके हक अधिकार हम दिला देंगे। जो इनका कहना यह है कि बहुजन समाज पार्टी जो है संविधानिक तरीके से काम करती है और इसके साथ ही संविधान के जो बेसिक राइट्स है वो लोगों को जनता तक कैसे पहुंचाना चाहिए और साथ ही जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर फोकस करके ये अपनी चुनावी रणनीति यहाँ पर इन्होंने बना ली है। साथ ही कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी तमाम बड़े बड़े जो संगठन है यहाँ पर इनके साथ में दमखम से उतरे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी पूरी ताकत से, पूरे जोश और होश आवाज़ से यहाँ पर इनसे इनको टक्कर देने के लिए काम यहाँ पर कर रही है। अभी देख सकते हैं कि आज का प्रचार का लास्ट वाला दिन है, लेकिन इस टाइम में भी बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के साथ में उसके प्रचार में पूरी यहाँ पर उनके जो कार्यकर्ता है पूरे जोश में यहाँ पर उनके साथ में है। आप इस बात पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके इस पर प्रतिक्रिया जरूर दे। तब तक के लिए बने रहे। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।